हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग मार्केट की एनालिसिस करते हैं कि आज का मार्केट कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो, हमारा व्यू क्या था, सुबह में हमने जो अपडेशन दिया था आप लोगों को, तो हमारा व्यू ये था कि मार्केट को, चूंकि देखो मार्केट मान लो यहाँ से क्रैश किया है ये, तो ये जो है सो 0.5 और 0.6 का एरिया है, यहाँ से इसको गिरना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो वो जो है सो समझिए कि जितने लोगों ने शॉर्ट किया है वो पोजीशन कवर करेंगे। जब पोजीशन कवर करेंगे तो एक जो है सो शॉर्ट कवरिंग टाइप की रैली आ सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पे खुलता है, पहले यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद में जो है सो यहाँ पे बेस बनाता, फिर जाता, फिर आता है, और जब यहां से निकलता है ना तो धीरे धीरे करके जो है सो आपका ये जो ट्रेंड लाइन था, आपका ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे, या ये मान के चलो कि आपका इतना लंबा नहीं लो, यहां से हम लोग ले पकड़ लेते हैं। तो जब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया ना, इस ट्रेंड लाइन को, तो उसके बाद में मार्केट जो है सो क्या हुआ, नहीं रुका, मार्केट गया ऊपर, और यहां से ऑलमोस्ट जो है आपको लगभग 400 पॉइंट की रैली दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट टाइप का था यहां पे। जब इस ट्रेंड लाइन पे फिर से आया मार्केट, फिर से आपको यहाँ पे अच्छी खासी रैली दिया, और ये लेके गया आपको लगभग 400-800 पॉइंट की रैली, आपको यहाँ से एक ब्रेकआउट पे और यहाँ पे एक मिली। तो कायदे से देखा जाए तो दो ट्रेड बना है यहाँ पे, या तीन ट्रेड पकड़ के चल सकते हो, एक ये वाली, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर ये निकला, फिर रिट्रेसमेंट, फिर निकल गया। तो ये मार्केट है अभी। अब जो है सो मार्केट ने आज का रैली दे दिया। प्रीमियम की अगर आप बात करोगे तो 5 तारीख का प्रीमियम जो 200 रुपए जो प्रीमियम था, वो जो है सो 800 रुपए पे गया, 4 गुना गया है। तो जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो प्रीमियम ऐसे बढ़ते हैं, और इस टाइम पे जो है सो बायर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बायर को अच्छा पैसा बनता है, बनिस्पत की मतलब कि बाद में क्या हो रहा है उससे अच्छा है कि जैसे मार्केट इस टाइप के मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, इधर पैसा नहीं बनेगा, इधर आपका अच्छा पैसा बनेगा। तो जब मार्केट जैसे इस टाइप के मार्केट में पैसे बनते हैं, यहाँ पे बायर को एक्टिव होना चाहिए। तो बायर जो है सो इनएक्टिव इस टाइप के मार्केट में रहेगा, और एक्टिव इस टाइप के मार्केट में हो जाएगा, तो वहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते। चलो अभी देखते हैं आगे इसमें। अब यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि मार्केट में हमने जितना भी लेवल दिया था आपको, ये लेवल हिट किया, फिर उसके बाद में ये लेवल हिट नहीं हो पाया है। तो अब मार्केट में कल के दिन के लिए है कि यहां से मार्केट अगर आपको रैली देना होगा तो यहां तक जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आके, और फिर अगर ऊपर निकलना है तो इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ये है कि मार्केट जो है, अगर हम यहां से देखें, टॉप से अगर हम देखते हैं, तो ये 0.5-0.6 के एरिया पे अभी भी मार्केट है। तो अगर मार्केट को, चूंकि मार्केट जब गिरता है, अच्छा खासा पॉइंट गिरता है, तो एक रिट्रेसमेंट भी, प्रॉपर रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो अब अगर मार्केट कल के दिन, अब बहुत सारे लोगों ने जो बाई किया है उनके एसएल कहां कहां है, अगर हम एसएल के पॉइंट की बात करें हम, तो एक एसएल का पॉइंट आपका ये है। अगर मार्केट इसके नीचे आएगा, अब हम लोग इस लाइन को हटा देते हैं, तो लोगों का जो एसएल लगा हुआ है इस मार्केट में, यहां एसएल है, यहां एसएल है, और जो शॉर्ट किया है उसका एसएल यहां पे है। मतलब लास्ट मान लो कोई बहुत ज्यादा जिगर वाला है, तो अभी भी कुछ लोग मान लो कि इस उम्मीद में बैठे होंगे, तो उनका एसएल यहां पे है। तो मार्केट यहां जाने के बाद जब यहां जाएगा तो लोगों का एसएल यहां ट्रेल होकर आ जाएगा। अब ये मार्केट यहां जाने के बाद अगर नीचे आना शुरू होता है तो ये यहां तक आ जाएगा या फिर यहां तक आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पे टाइम पास करना शुरू कर देता है और नीचे नहीं आता है, इस एसएल को भी नहीं खाता है और टाइम पास करते रह जाता है, तो समझ लेना है कि ये मार्केट जो है सो कंटिन्यू एक रैली दे सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग आज, अगर आपने ट्रेड लिया होगा, सारा चीज मिटा देते हैं। देखो, मार्केट को समझने की कोशिश करो। जो स्कैल्पिंग वगैरह जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मार्केट परेशान कर देता है। जैसे यहां पे आपको तो पैसा बन जाएगा, लेकिन इस मार्केट में स्कैल्पिंग वाले का पैसा नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसको होल्डिंग ट्रेड बोलेंगे, क्योंकि अगर 5 मिनट में आप देखोगे तो इतना जिगजग मचाएगा ना कि सर दुखा देगा आपका, और आप बोलोगे यार एक ऐसा लेट हो गया, दो ऐसा लेट हो गया, जाने दो। लेकिन अगर आप 15 मिनट के कैंडल पे अगर आओगे तो देखो, आप 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे जब चलता है ये, तो यहाँ पे भले लो ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर क्लोज दे दिया है। उसके बाद में हर एक कैंडल का अपना 50% रिट्रेसमेंट ले करके या फिर ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड को होल्ड करने आना चाहिए, या ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल को क्लोज होने आना चाहिए। ये ऑप्शन वालों के लिए, फ्यूचर वालों के लिए इतनी दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में इतना ऑप्शन का ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन में देखो, जैसे यहाँ पे गया,
अब ये 700 से सीधे आ गया आपको 600 पे, 100 पॉइंट नीचे आ गया तो लोग डर के निकाल देगा पोजीशन और फिर वहीं से रैली दे देगा। तो इस चीज को हमेशा आप याद रखो कि 15 मिनट पे ट्रेड ले लिए हो, कुछ ट्रेड चलने लगा है आपके फेवर में है तो 15 मिनट के कैंडल पे शिफ्ट होके या चुपचाप जो है उसको इंतजार करो और साइकोलॉजी बनाओ, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बनाओ। जब तक साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ट्रेडर बनने में टाइम लग जाता है। इसलिए लग जाता है क्योंकि आप ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाओगे। जब ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब हमारे लिए क्या है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो अभी भी हमारे लिए एक टारगेट अपर साइड में हमारा अभी ये पेंडिंग है 835 का, और अगर मान लो स्ट्रिंग बुलिश हो जाता है तो हमारे पास एक ये टारगेट पेंडिंग है 23100 का, और लोअर साइड में हमारे पास एसएल की जगह यहाँ पे है, यहाँ इसके नीचे आता है तो मार्केट कमजोर होगा और फिर ये नीचे आएगा और फिर ये जो है सो आपका नीचे आ जाएगा। तो अभी भी मार्केट में बुलिशनेस नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे, सारा चीज को मिटा दो और डेली कैंडल देखो जरा आप, तो जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे ये जो कैंडल बना था ना उसका धीरे धीरे करके उसके नीचे आ गया मार्केट, फिर यहां से बाउंस दिया, अब यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम रिट्रेसमेंट थ्योरी लगाते हैं तो यहां से लेकर के यहाँ के बीच में 0.5 और 0.6 को भी मार्केट निकाल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। इस हिसाब से डेली चार्ट में मार्केट बुलिश है, डेली चार्ट में, आवरली चार्ट में मार्केट बुलिश है। अब थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग, तो वीकली चार्ट में भी अगर आप यहां से पकड़ के चलोगे कि यहां से लेके यहां तक, तो मार्केट ने यहां पे भी अब बुलिश हो गया है, मतलब कि इस लेवल के नीचे मार्केट को अब नहीं आना चाहिए। ये 0.5 हो गया और ये 0.6 हो गया, इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे चल के अब देख लेते हैं। देख लो मैंने जो लेवल बताया एग्जैक्ट वही लेवल है, यहां पे एसएल है नहीं तो लोगों के यहां पे एसएल है, इसके नीचे आएगा तो फिर मार्केट कमजोर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे एक लेवल ये हो गया आपके लिए, एक लेवल आपका ये है जो कि 21700 का है और एक लेवल आपका ये है। अब इस दोनों रेंज को मार्केट को निकालना बहुत ज्यादा टफ काम हो जाएगा, ऊपर से कॉल नीचे से पुट शॉर्ट होने लगेगा और ये मार्केट यहाँ पे अब टाइम पास करना शुरू करेगा। तो अब कल के लिए है कि अगर आपका यहां से निकलता है तो हमारे लिए टारगेट ये रहेगा और उसके बाद ये रहेगा, और अगर इसके नीचे आता है तो आपका ये टारगेट रहेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें अगर आप 5 मिनट में आते हो तो 5 मिनट में आपके लिए जो है ये वाला लोअर जोन है, मतलब ये वाला जोन है, इस जोन को मार्केट निकाल के अगर नीचे आएगा तो हमारे लिए टारगेट ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, और अगर यहां से ऊपर जाता है तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट ये है, ये निफ्टी के लिए है। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम, चूंकि बैंक निफ्टी में हम लोग ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का भी अगर हम टॉप से बॉटम लेते हैं यहाँ पे तो 0.5 और 0.6 के एरिया पे इसने क्लोजिंग ही दिया है, मतलब इसने निकाला नहीं है, निफ्टी निकाल दिया है लेकिन ये नहीं निकाला है। तो अब यहाँ पे चूंकि मेजर स्टॉप लॉस कहां पर हुए हैं, तो मेजर स्टॉप लॉस आपके यहाँ पे है और अपर साइड में हमारे पास में ये एक रेंज है और उसको भी निकालेगा तो ये रेंज है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे है कि मार्केट को कल मान लो कि यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग देता है और सेलिंग आ जाती है और इस जोन को निकाल देता है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, और अगर गैप अप ओपनिंग नहीं देता है, मार्केट रेंज में खुल के ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो गैप ओपनिंग देगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसी के साथ सेलर फिर से चढ़ जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये है कि लोग यहाँ पे भी स्ट्रंगल स्ट्रगल बनाना शुरू कर देंगे, नीचे से कॉल ऊपर से पुट शॉर्ट करके चुपचाप बैठेंगे, और जब तक इस रेंज को मार्केट नहीं निकालता है तब तक बहुत बड़ा आपका काम यहाँ पे नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो सेंसेक्स का भी सेम कंडीशन बना हुआ है कि जैसा निफ्टी चला वैसा सेंसेक्स भी है, यहाँ पे है आपका और ये टारगेट है ऊपर के साइड का, और फिर जो है सो आपका ये अपर टारगेट है, और फिर अगर इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट यहाँ पे बियरिश हो जाएगा। तो अभी भी बुलिश नहीं है, लेकिन जो बाइंग आई है ना, जो रिट्रेसमेंट है ना, वो थोड़ा शॉकिंग है कि जितने लोगों ने शॉर्ट किया था 50% से ऊपर जाएगा तो पोजिशन कवर होगा, शॉर्ट कवरिंग आ गई यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा स्टॉक देख लेते हैं, रिलायंस को देख लेते हैं। तो रिलायंस क्या कर रहा है,
तो रिलायंस में देखो आप, और थोड़ा ध्यान से देखना आप यहाँ पे, ये जो है आपका ये जोन जो है रेजिस्टेंस का, रिलायंस अभी निकाला नहीं है और नीचे से पोजीशन शिफ्ट होते आया है, नीचे से पोजीशन जो है स्टॉप लॉस शिफ्ट हुआ है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो रिलायंस में एक शॉर्ट कवरिंग टाइप की चीज आपको दिखेगी, तो मार्केट को भी टान के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद हम एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में हमारे पास में जो है ये अब जो है ये आपका एक लेवल है, और कल मान लो कि यहाँ कहीं ओपन होकर के इसके ऊपर निकलता है तो हमारे लिए टारगेट ये रहेगा और ये मार्केट को खींचेगा। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक देख लो आप ये क्या कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक का कंडीशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, और ये ज्यादा मतलब वो नहीं हुआ है, मतलब कि अगर हम टॉप से रिट्रेसमेंट थ्योरी लगाते हैं तो 0.5-0.6 से इसने नीचे ले लिया है। तो कल अगर इसको निकालता है, मतलब इस जोन को निकालता है, मतलब कल अगर ये इसको निकाल देगा, यहां से अगर ये निकाल देगा तो बुलिश मानेंगे, और नहीं तो ये रेंज में कल हो सकता है और मार्केट को रेंज में डाल देगा। इंफोसिस देख लो क्या कर रहे हैं, एक मिनट सॉरी INFY। तो इंफोसिस को अगर आप देखोगे, इंफोसिस क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इंफोसिस जो कर रहा है वो थोड़ा खुल जाइए, तो इंफोसिस को अगर आप देखोगे तो इंफोसिस क्या कर रहा है यहाँ पे, हाँ इंफोसिस से भी आपका सॉरी थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, आजकल नेट ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। और उसके बाद में हम थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और बता देते हैं जो आपके लिए जरूरी है, वो ये है कि इसको रिलेड होने में टाइम लग रहा है। तो इंफोसिस जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी इंफोसिस, हाँ तो इंफोसिस जो है यहाँ पे मार्केट सुबह में खुला और यहाँ पे मार्केट रेंज बनाया है। तो अगर ये इस लेवल को निकालेगा, ध्यान रखना, अगर ये इस लेवल को नीचे निकालेगा तो बियरिस, और अगर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना के चल सकते हो, यहाँ से ये जो है आपका एक ट्रेंड लाइन भी हो जाएगा, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कई दो राय नहीं है। तो इंफोसिस भी यहाँ से एक बुलिश फ्लैग बनाया हुआ, अगर ऊपर निकलेगा तो ऊपर निकल जाएगा। चलो हम लोग थोड़ा सा निफ्टी में थोड़ा प्राइज एक्शन देखते हैं कि आज कैसा प्राइज एक्शन रहा, सारा चीज मिटा देते हैं। चलो तो ये मार्केट का ये सपोर्ट लाइन है जिसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से गया ऐसे, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, ये तो मार्केट में क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। 5 मिनट का चार्ट है, एक लोअर पॉइंट ये है, दूसरा लोअर पॉइंट ये है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब तक आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट अगर नहीं टूटता है तब तक जो है सो आप इसमें ऊपर साइड के ट्रेड लेते रहेंगे। तो ट्रेड कहाँ कहाँ बना, एक ये सपोर्ट है जहां से ट्रेड बना आपका, नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये है जहां ट्रेड बना, उसके बाद सपोर्ट यहां बना के मार्केट गया, उसके बाद सपोर्ट यहां बना के मार्केट गया। तो ये जो है सो ट्रेड का जोन है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट जो है सो यहाँ पे सब लोगों को बियरिश था। देखो बात ऐसा है कि मार्केट सब लोग जब बुलिश थे तो मार्केट अगेंस्ट में गया, अब मार्केट में सब लोग बियरिश हो गए तो मार्केट थोड़ा बुलिश हो गया, अब मार्केट में लोग बुलिश हो जाएंगे फिर मार्केट बियरिश हो जाएगा। तो ये आपके जो थॉट है ना, जो थॉट प्रोसेस है उसके अगेंस्ट में चलने की कोशिश करता है और आपको लड़वाते रहता है ताकि आप लड़ते रहें इससे। तो इस चीज पे आप साइकोलॉजी जो है ना, वो पल्टी मार साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट जैसा चल रहा है, जो प्राइस जो बता रहा है ना, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्या चल रहा है, प्रीवियस ट्रेंड तो नेगेटिव है लेकिन प्राइज एक्शन अब यहाँ पे पॉजिटिव बनने लगेगा, तो क्या आप नेगेटिव प्ले करोगे, नहीं करोगे ना। दिक्कत यही है कि यहाँ पे जो है सो इस टाइप में सबसे बड़ा ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि वो पल्टी मार स्ट्रेटजी में फेल हो जाता है, और जो जो ऑपरेटर है वो यही काम करता है। ऑपरेटर क्या करेगा, पहले आपको बुलिश बनाएगा फिर वो अगेंस्ट में प्ले करना शुरू करेगा, पहले आपको बियरिश बनाएगा फिर आपको अगेंस्ट में करना शुरू करेगा। तो उससे अच्छा है कि जब बियरिश प्राइज एक्शन चल रहा है तो हम बियरिश से काम करेंगे,
और जब बुलिश प्राइस एक्शन चल रहा है तो हम बुलिश से काम करेंगे। जैसे हमारा प्राइस एक्शन अगर हमारा कुछ ऐसे चल रहा है, प्राइस एक्शन क्या है एक क्लियर रखो, ऐसे चल रहा है तो हम जैसे यहाँ पे बुलिश प्ले करेंगे बेयरिश प्ले नहीं करेंगे। तो सबसे पहला चीज ये है कि मार्केट ओपन होता है तो आप देखो कि प्राइस एक्शन क्या बना है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है तो बस आप उस पर काम करो, बेयरिश प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है आप उस पर काम करो, अदरवाइज साइड हो जाए तो कुछ मत करो, शांति से बैठो। तो आज के वीडियो में इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा।